आज हमारे बीच संस्कृत के विद्वान और संस्कृत भारती के अखिल भारतीय महामंत्री नंद कुमार जी मौजूद हैं। नंद कुमार जी, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। संस्कृत का परिचय अभी उतना नहीं है, ये पुरानी भाषा है एवं विचार प्रचलित, परंतु संस्कृतम एतदस्ति एवं संस्कृत का परिचय आजकल कम है, इस कारण से ऐसा एक लोकप्रियता का न्यूनता है। उसके लिए संस्कृत संभाषण के माध्यम व्यवहार में अभी कम है। वस्तुतया सर्व भारतीय भाषा मध्य संस्कृतम अस्त्येव यथेष्टम शब्दा अतीव परिचित शब्दा, परंतु संस्कृत भाषा ये है एवं आइडेंटिटी एवं अभिज्ञानम न्यूनमस्ति। एतेन कारणेन संस्कृतम अद्य तथा लोकप्रियम नास्ति इति एक धारणा अस्ति। संस्कृत के लिए एक और चीज समझी जाती है कि संस्कृत एक वर्ग विशेष की भाषा है, जैसे पुजारी है, पुरोहित है, उनकी भाषा माना जाता है, तो इसको आम आदमी की भाषा कैसे बनाया जाए? एक वस्तुतया ये एक मिथ्या विचार है, एक्चुअली ये सत्य नहीं है। संस्कृतम संपूर्ण जनतायाः भाषा अस्ति। यदा 1000 वर्ष पूर्व एवमेव केवलं भारतीयाः न विदेशीयानामपि अध्ययनस्य आधारेण संस्कृते ओवर्व्यू इति एकं पुस्तकम् एकः फ्रेञ्च् पण्डितः लिखितवान्। सः तत्र सम्यक् विवरणं करोति संस्कृतभाषा 1000 साल के पहले संपूर्ण भारत में हरेक व्यक्ति के सामान्य व्यवहार में था, परंतु विभिन्न कारणेन इदानीं तद् परिवर्तितम् अभवत्। केवलं व्यवहारे अद्य केवलं धार्मिक विधि मध्ये संस्कृतमस्ति, तेन कारणेन ऐसा एक विचार एक धारणा आगता संस्कृत केवलं एक वर्ग की भाषा, परंतु यत् सत्यं नास्ति। उदाहरणार्थं मध्यप्रदेशे एव भोजराजस्य काले उदाहरणमस्ति, ये लकड़ी बेचने वाले वे भी संस्कृत में बहुत बात करते थे, ऐसा एक उदाहरण भी है। संस्कृतम भारत बाधते इति एकः पृष्टवान्, सः उक्तवान् भारः न बाधते परन्तु भवतः बाधति बाधते इति, क्योंकि बाधते इति प्रयोगः एव साधु, परन्तु बाधति इति सः प्रश्नं कृतवान् भारः भार बाधते किम् इति। सः वदति, सः सामान्य कर्मकरः वदति भारः भारस्य मम खेदः नास्ति, परन्तु भवतः शब्दप्रयोग मेरे मन में खेद का उत्पन्न कर रहा है। बाधते इति एव शुद्धं, बाधति इति अशुद्धम्। ऐसे सामान्य व्यक्तियों के स्तर पर भी संस्कृत भाषा था, परंतु केवल विभिन्न कारण शासन परिवर्तन निरंतर विदेशीयानाम् आक्रमणम् तथा विभिन्न सामान्य भाषाणां प्रादेशिक भाषाणां विकासः एवं रोजगार से संस्कृत भाषायाः दूरीकरणम् एवं अनेक कारणों से संस्कृत केवलं लघु लघु एक विभाग पर्यन्तम् आगतम्। संस्कृत जानने वाले जो लोग हैं उनको किन किन क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं हैं? ये तो बहुत उच्च अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आजकल ऐसा भी विचार है संस्कृत पढ़ेंगे तो केवल अध्यापक बन सकता है, ऐसा एक धारणा है, ये भी सत्य नहीं है। आजकल इस वर्ष में ही हमारे मेरठ से एक पाठ संस्कृत गुरुकुल है, उस गुरुकुल के एक लड़की उन्होंने IAS परीक्षा में विजय प्राप्त हुआ, ऐसे ही IAS के सिलेक्शन अभी तस्याः अभवत्। एवं केवलम् एक लड़की नास्ति, भारते यथेष्टम् IAS IPS वाले हैं, संस्कृत उनका प्रथम विषय है, ऐसे भी है। तो संस्कृत से ऐसे IAS ऐसे परीक्षा के लिए भी जा सकता है, मालवा में भी है, खंडवा में भी ऐसा ऐसा लोग है। केवलम् एवं नास्ति, संस्कृतम् इदानीम् अहम् एक व्यक्ति परिचयः अस्ति, सः मुंबई मध्ये कॉर्पोरेट के लिए ट्रेनिंग देते हैं, उसके नाम है राधाकृष्ण पिल्लवे, अत्यंत युवक है, बहु युवक है, सः वस्तुतः MBA पहले कृतवान, उसके बाद उन्होंने संस्कृत पढ़ा,
अर्थशास्त्रम पठितवान, अर्थशास्त्र पढ़ने के बाद उसका मन में आया ये विषय बहुत अच्छा है, कौटिल्य का ये सूत्र, उसका ये मार्गदर्शन बहुत अच्छा है, आज का ये कॉर्पोरेट के लिए भी बहुत अच्छा विषय है। उन्होंने कॉर्पोरेट चाणक्य नाम के एक इंस्टीट्यूट बनाया, एमबीए काम उन्होंने चढ़ा, उसके बाद ये विषय लेकर हर एक ऐसे व्यक्तियों के लिए इंस्टीट्यूशन के लिए ट्रेनिंग देने के शुरू किया। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखा कॉर्पोरेट चाणक्य नाम से, बेस्ट सेलर था गत साल में। तो संस्कृत विषय स्वीकृत्य एवं आधुनिक जनानां कृते प्रबंध शास्त्र मैनेजमेंट मध्ये भी सम्यक रीत्या प्रशिक्षण दानार्थम अभी विषय अस्ति। योग अभी अभी आ गया है ना, विश्व योग दिनम जून 21 को करने के लिए संपूर्ण विश्व आग्रह है, संस्कृत का बहुत योगदान है। अभी अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु में प्रोफेसर महादेवन है, महादेवन भगवद गीता के आधार पर नए नए मैनेजमेंट तत्वों का निकालने के लिए एक वर्कशॉप चलता, एक साल से चलता था कार्यशाला, उसके बाद में अभी उन्होंने एक पाठ्यक्रम की बनाया है गीता के द्वारा मैनेजमेंट, उसके पाठ्यक्रम भी अभी शुरू करेंगे। ऐसे मैनेजमेंट विषय में भी बहुत कुछ है, महाभारत में के रामायण में ही है, उपनिषदों में भी है। एवं संस्कृतम केवलम शिक्षक निमित्तम नास्ति, मैनेजमेंट निमित्तम, आर्किटेक्ट निमित्तम तथा इकोनॉमिक्स निमित्तम, पर्यावरण निमित्तम एवं अन्यान्य मार्ग मध्ये भी संस्कृतस्य योगदानम् अस्ति। तो तस्य अवगमनं करणीयं, तदर्थं ट्रेनिंग चाहिए, ऐसे रोजगार की नए नए आयाम को बढ़ाना चाहिए। उसके लिए अभी अभी IIM मध्ये IIT मध्ये भी संस्कृत का आरंभ किया है, कानपुर में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, खड़गपुर में है, उधर भी ऐसा रिसर्च चल रहा है कैसे कैसे संस्कृत से नए नए रोजगार का मार्ग निकाल सकते हैं, इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। अभी अमेरिका में इसके लिए बहुत काम चल रहा है स्पीच थेरेपी में, उधर ये सिनेमा आर्टिस्ट संभाषण सम्यक करणार्थम भी एवं संस्कृत से अभ्यास कुर्वन्ति, संस्कृत पठनेन उत्तमरीत्या उच्चारणं कर्तुं शक्यते इति तेषामपि अनुभवः। तु स्पीच् थेरपि अन्यान्य कार्ये प्रयोजनम् अस्ति। एकम् अहं जानामि पोण्डिचेरी मध्ये एकः कार्यकर्ता, एकः जनः, सः एकः सैन्टिस्ट् आसीत्, अनन्तरं सः इदानीं विभिन्न औषधानां निर्माणम् एवं कार्यं करोति। सः संस्कृतपठनं ये संभाषण में क्लेश है, ऐसे बालकों के लिए ट्रेनिंग जैसे करने की शुरुआत किया। उन्होंने कहा इतना परिवर्तन है ये क्या, ऐसे लोग बच्चे हैं ना, संभाषण करने के लिए मुश्किल है, ऐसे बच्चों के लिए संस्कृत श्लोक पढ़ाते हैं, ऐसे उसके संस्कृत के उच्चारण से उन लोगों का संभाषण भी अच्छा हो रहा है, ऐसा अनुभव उन्होंने कहा। उन्होंने भी उसका भी रिकॉर्डिंग ऐसा सब किया था। केवल उतना नहीं है, बुद्धिमान युक्त लोग भी है, उसके लिए भी संस्कृत पठाने से तेषां विचारः सम्यक् भवति, तेषां बुद्धिः अपि सम्यक् कार्यं करोति, एवम् अनुभवाः अपि तत्र तत्र सन्ति। एवं संभाषा इति रूपेण, उच्चारणशास्त्रमिति रूपेण अपि संस्कृतस्य बहु उपयोगः एतादृशक्षेत्रेषु सन्ति। एतत् सर्वं स्पीच् थेरपि इत्यत्र कार्यं करोति, परन्तु तत्र बहु शोधकार्यं करणीयम्। एतद् मेडिकल् फील्ड अपि सम्बन्धितमस्ति, भाषाशास्त्रमपि सम्बन्धितमस्ति। अद्य उच्चारणविषये अत्यन्तं दुर्लक्षणमस्ति, तस्य अवधानमेव नास्ति, उसमें क्या है ऐसा विचार है, परंतु संस्कृत में हरेक अक्षर कैसे उच्चारण करना है उसका शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र। आ आ का खा गा, ऐसे एक एक अक्षर का निश्चित स्थान है, उस स्थान के ऊपर अवधान करके उच्चारण करेंगे तो शरीर के अंदर एक ग्रंथि का भी परिवर्तन हो रहा है, ऐसा एक रिसर्च भी चल रहा है।
एवं स्टिमुलेशन करने के लिए, ग्रंथीनाम स्टिमुलेशन करने के लिए मंत्र, यही मंत्र, मंत्र सिद्धता ऐसा एक भाग है, मंत्र से ये साधना के भाग में वही समान अस्ति। संस्कृत उच्चारणमेव तत्र एकं कारणं, मंत्रस्य शक्तिः तस्य शब्दस्य उच्चारणस्य संबंधः अस्ति, तथा उत्तमरीत्या उच्चारणं करोति संपूर्ण शरीरस्य एकैक केन्द्राणामपि, यथा षडाधारमिति अस्ति नाडी, एक सर्वमपि स्टिमुलेशन भवति, तत्कारणेन बहु अधिक आरोग्यसमस्यायाः परिहारः भवति। केवलम् आरोग्यसमस्या न, मनः बुद्धिः एतत् सर्वमपि सम्यक् कर्तुं शक्यते इति अनुभवः अस्ति। तस्य एक अप्लैड् क्षेत्रमस्ति एतद् मन्त्र साधना, केवलम् एक लघुभागः। एवं स्पीच् थेरपि इत्यस्य बहु विस्तृतक्षेत्रमस्ति।